बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट कुरैश। तहरीर लियाकत अली जदोई। एशिया को मजमूई तौर पर इस वक्त कोविड-19 वबा की खतरनाक तीसरी लहर का सामना है। ऐसे में फोर्ब्स की 30 अंडर 30 लिस्ट कुरैश एशिया 2021 में शामिल नौजवान इंटरप्रेन्योर, साइंसदान, कारकुनान और यंग लीडर्स कोविड-19 के हालात और वाकयात को न्यू नॉर्मल समझते हुए अपने ख्वाबों को शर्मिंदा तब्दील करने के लिए ज़बरदस्त मेहनत करते नजर आते हैं। 2020 में कोरोना वबाई मरज की सूरत में इस नस्ल ने अपने दौर का मुश्किल तरीन साल देखा है। हम तमाम तर मुश्किल के बावजूद इन 300 मिलियंस और जनरेशन जेड से तल्लुक रखने वाले नौजवानों ने दाव देने वाले लॉकडाउन, महदूद सफरी आज़ादी और हर तरफ बेयकीनी की कैफियत के बावजूद खुद को ना सिर्फ मुस्तहकम रखा है बल्कि अपने आगे बढ़ने के सफर को भी जारी रखा हुआ है। इनमें से अक्सर नौजवानों ने अपने कारोबार को फ़रोग देना जारी रखा और वबाई मर्ज के बाइस आने वाली तब्दीलियों को अपना लिया, जबकि कुछ ने हिम्मत, हौसला और जहानत इस्तेमाल करते हुए आलमी वबा के दरमियान नए कारोबार शुरू किए और अपने लिए वहाँ मौके तलाश किए जहाँ दूसरों को रुकावटें पेश आती हैं। मजमूई तौर पर इस साल फेस में शामिल होने के लिए मसूल होने वाली 300 एंट्रीज का ताल्लुक एशिया के 22 ममालिक और इलाकों से है। इस खत्ते के मतनू इंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम की नुमाइंदगी करते हैं। हर चंद के कोरोना वबाई मर्ज के 22 साल गुज़श्ता के दौरान नए कारोबारी मंसूबों में सरमायाकारी में कमी आई। 30 अंडर 30 लिस्ट बड़ा एशिया में शामिल कुछ नौजवान जिनका ताल्लुक ज़्यादातर चीन और भारत से है अपने मंसूबे के लिए काबिल जिक्र फंडिंग हासिल करने में कामयाब रहे। इसमें शामिल होने के लिए मसूल होने वाली 300 एंट्रीज में से 17 स्टार्टअप ने फी स्टार्टअप $15 मिलियन से ज्यादा फंडिंग हासिल की। इनमें से एक स्टार्टअप जिसका नाम रजदौर पे है ने भारत का अवलीन फिनटेक यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न ऐसे स्टार्टअप को कहते हैं जो $1 अरब की वैल्यूएशन हासिल करने में कामयाब रहे बनने का इजाज़ हासिल कर लिया। इसकी वैल्यूएशन $3 अरब की गई। रोजर पे के शरीक मानी हर्षल माथुर कहते हैं यूनिकॉर्न का इजाज हासिल करना एक ज़बरदस्त बात है लेकिन हम एक तवील सफर के लिए निकले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वबाई मरज के बावजूद साल गुज़श्ता के दौरान भारत के टेक स्टार्टअप में $10 अरब की नई सरमायाकारी आई और फोर्ब्स की जानब से ज़ेरे गौर लाई जाने वाली 300 एंट्रीज में से सबसे ज़्यादा यानी 76 का ताल्लुक भारत से था। एशिया के दीगर ममालिक में शायद किसी और मुल्क में इस तादाद में यूनिकॉर्न ना उभरे हों लेकिन ऐसे बासलाहियत और मुमकिन तौर पर $1 बिलियन वैल्यूएशन हासिल करने वाले स्टार्टअप्स की कमी नहीं है जो फोर्ब्स की फेस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। एक नाम गालबन आपने सुन रखा होगा, स्टिला बेनेट उर्फ बेनी। बेनी का ताल्लुक न्यूजीलैंड से है और वो गुलकारा और नगमा निगार हैं। ये सोशल मीडिया पर इंतहाई शोहरत रखती हैं और इनका ट्रैक सोप्लॉन्डे 2.3 अरब बार स्ट्रीम किया गया है और 211 मिलियन व्यूज हासिल कर चुके हैं। बेनी की मिसाल से साबित होता है कि जनरेशन जेड सोशल मीडिया पर किस कदर असर रखती है। म्यूजिक बनाने और सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा करने के अलावा बेनी एक और मकसद के लिए भी काम कर रही हैं। बेनी ने ओ लिव के नाम से एक रिकॉर्ड लेबल लॉन्च की है जिसे खवातीन मुकम्मल तौर पर चलाती हैं और इसका मकसद नई उभरने वाली और बासलाहियत
आर्टिस्टों को सपोर्ट करना है। बीनी ने ईमेल इंटरव्यू के जरिए फौज को बताया, मैं हर वक्त मुमकिन आर्टिस्टों के साथ काम करने की जस्तजू में रहती हूँ। मैं इस मंसूबे के लिए सिर्फ खवातीन के साथ काम करना चाहती हूँ। फिस्ट में शामिल एक और नौजवान लड़की ऑस्ट्रेलिया से तल्लक रखने वाली एलिनी ग्लोफिट्स हैं कि ऑस्ट्रेलियाई खेलों की अंपायरिंग के मैदान में एक नए जोंके की तरह वार्ड हुई और 2017 में उन्हें ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग मैच की अंपायरिंग का मौका मैसर आया। ऑस्ट्रेलियाई शोभा स्पोर्ट्स में बेशबहा खिदमात के एवज उन्हें मुल्क का सबसे बड़ा इजाद मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ एशिया दिया गया। इस साल की स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट कैटेगरी में गैर मामूली कारकर्दगी के बायस इस ऑस्ट्रेलियाई फीमेल अंपायर को खुसूसी तौर पर शामिल किया गया है। सोशल एंटरप्रेन्योर्स ने भी साल गुज़श्ता के दौरान ज़बरदस्त काम किया। वो बरसों पुराने मसाइल और कोरोना वबाई मर्ज के बायस पैदा होने वाली नई सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए उम्मीद नजर आए। साफ सफाई सुथराई और नकासी आप से लेकर पसमानदा बरादरियों की इमदाद करने तक बहरा अलकाहल एशिया में समाजी बहबूद के लिए काम करने वाले नौजवान उम्मीद का एक नया दिया जलाते हैं। हेल्थ केयर की बात करें तो अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाली 5 टीनेज लड़कियां मुनफर सोलूशन के जरिए अपने मुल्क में कोरोना वबा से निमट रही हैं। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाली गर्ल्स रोबोटिक टीम ने एक कम लागत कम वजनी वेंटिलेटर ईजाद किया है जो कोरोना वायरस में मुबतला मरीजों की मदद कर रहा है। हतमी टेस्टिंग के बाद इस वेंटिलेटर की तिबी सतह पर इस्तेमाल की इजाज़त दी जाएगी और तवक्को है कि इसके बाद अफगानिस्तान में वेंटिलेटर्स की कमी का मसला हल हो जाएगा। इन लड़कियों में समिया फरूकी 18 साल, अलहाम मंसूरी 17 साल, दियाना वहाबजादा 15 साल और फ्लोरेंस पोपा 15 साल शामिल हैं। इन इन लड़कियों का शुमार इस साल की 13 अंडर 13 लिस्ट में शामिल कम तरीन लड़कियों में होता है। बदलते हालात में जिस कदर लज्जा का मुजाहरा विशेष सोरियाना एन और डिलाइन टन ने किया वो भी काबिल जिक्र है। एक ऐसे वक्त में जब COVID-19 ने सियाती सनत को तबाह करके रख दिया था वो इनकी ट्रेवल पेमेंट स्टार्ट अब कंपनी नादहंदा होने के दहाने पर आ गई थी तो हालात की नज़ाकत को महसूस करते हुए मलेशिया से तल्लक रखने वाले इंटरप्रेन्योर्स ने अपने स्टार्ट अप के कारोबार को ही तब्दील कर दिया और अभी खरीदें बाद में अदायगी करें मॉडल को अपनाते हुए अपने क्लाइंट्स को डायसन और लीगो जैसी कंपनियों से किस्तों पर ग्लासवुड खरीदारी करने की सहूलत फराहम करने का आगाज़ किया। अप्रैल 2020 से इस कंपनी ने 300 ब्रांड्स के साथ माहदे किए हैं और $4 मिलियन की मसनूआत फरोख्त की हैं। इस स्टार्टअप ने $1 मिलियन की फंडिंग भी हासिल की है। उभरती हुई फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हर चंद के एशिया में और आलमी सतह पर मर्दों के स्टार्टअप के मुकाबले में खवातीन के स्टार्टअप के लिए फंडिंग की मालियत कम रही है, मगर इसके बावजूद ऐसी कई नौजवान खवातीन सामने आई हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप को कामयाब बनाने में ज़बरदस्त मेहनत की। ऑस्ट्रेलिया से तल्लक रखने वाली दो लड़कियां नटाली खोई और शेडी कोड 2012 में मिली और फैशन के लिए इनका मुश्तरका प्यार इनकी दोस्ती की वजह बना। इसके अगले साल उन्होंने एक छोटा ई कॉमर्स कारोबार शुरू किया और 2015 तक इसे बड़े पैमाने पर ई कॉमर्स कारोबार में बदल दिया। दोनों ने इस स्टार्टअप में $300 मिलियन सरमायाकारी की और इस वक्त दुनिया भर में 7.5 लाख क्लाइंट्स को फैशन एक्सेसरीज फराहम करती हैं। इनके लिए 50 मुलाजमीन काम करते हैं। इनके फैशन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करने वालों में जेनिफर लोपेज और आरियाना ग्रैंडे जैसी हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के अलावा कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं। चीन से तल्लक रखने वाली शीशी होंग खुद भी एक सब्जी खोर हैं और गुज़श्ता साल उन्होंने प्लांट बेस्ड गज़ाएँ फरोख्त करने वाली कंपनी ए मेट की बुनियाद रखी। इनकी मसनूआत में प्लांट बेस्ड बीफ बर्गर, चिकन नगर्स और सोप डम्पलिंग शामिल हैं।
स्टार्टअप ने चीन के कई सरमायाकारों को अपनी तरफ मुतवजा किया है और फंडिंग हासिल की है। इस फंडिंग को अब वो अपने प्रोडक्ट्स के फ्लेवर को बेहतर बनाने और नए प्रोडक्ट्स की तैयारी पर खर्च कर रही हैं। अल्लाह हाफिज़।